हरे कृष्णा राधे राधे जी सबको। अजय एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार बताई गई है। अजय एकादशी का क्या महत्व है? एक बार अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने का क्या विधान है? इसका व्रत करके किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजय एकादशी व्रत कथा अब ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का महत्व श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान किया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपनी इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी को विद्वान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गई। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तथा द्विंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।